नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे ही देश भर में सियासत तेज होती हुई दिखाई दी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से लगातार यहां पर सियासी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए, जिससे कि साल 2024 की तैयारी अभी से शुरू होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये भी देखने को मिला कि अलग अलग राज्यों में कई पार्टियों के गठबंधन भी दांव पर लगते हुए नजर आए हैं। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार का सामना किया। विधानसभा चुनाव से लेकर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी, लेकिन इस हार के बाद अखिलेश यादव और भी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ उनके चाचा यानी कि प्रसपा के प्रमुख सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव उनसे नाराज हैं, वहीं दूसरी ही तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहे हैं। बात अब पहुंच गई है कि कहीं ये गठबंधन टूट ना जाए, लेकिन इसी बीच अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आई है पल्लवी पटेल। जी हाँ, पल्लवी पटेल को लेकर इस वक्त सस्पेंस बरकरार है। राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से पल्लवी पटेल ने आखिरकार किसे अपना वोट दिया है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और इसी बीच पल्लवी पटेल ने अपनी बात रखी है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से फैसला लिया है। क्या पल्लवी पटेल ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी से हटकर फैसला लिया है? क्या पल्लवी पटेल यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दी है? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि आखिरकार पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां, आपको बता दें 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 21 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और उस दौरान हमें पता चलेगा कि आखिरकार इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी हुई है, एनडीए की या फिर यूपीए की। जी हां, आपको बता दें एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू को खुलकर सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं सभी पार्टियां। और दूसरी ही तरफ इस बार राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी की गई है। क्रॉस वोटिंग के चलते अब नतीजे कुछ और भी देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल भी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुई। राष्ट्रपति चुनाव में आखिरकार उन्होंने किसे वोट दिया है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस प्रक्रिया के बाद पल्लवी पटेल ने मीडिया से बात की, कहा है ये चुनाव देश के प्रथम नागरिक के लिए है जो देश को आगे सफलता के आयाम पर ले जा सकता है। दूसरी ही तरफ पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने भी पूरा सोच विचार कर अपना सहयोग और समर्थन उन्हें किया है। मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी जो इस देश को आगे ले जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने किसे सपोर्ट किया, शिवपाल सिंह यादव किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। वहीं दूसरी ही तरफ पल्लवी पटेल ने यहां पर शिवपाल सिंह यादव के बयान पर भी अपनी बात रखी। शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से यशवंत सिन्हा के समर्थन में अखिलेश यादव उतरे हैं, उसको लेकर पलटवार किया और पल्लवी पटेल कहती हैं कि उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने साफ तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम लिया, लेकिन पल्लवी पटेल ने उनका नाम नहीं लिया। पल्लवी पटेल व्हीलचेयर पर मतदान, पल्लवी पटेल जब मतदान प्रक्रिया में शामिल हुई वह व्हीलचेयर पर पहुंची। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही पल्लवी पटेल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उस दौरान यशवंत सिन्हा के समर्थन में अखिलेश यादव उतरे थे और उस दौरान ओपी राजभर ने नाराजगी जाहिर की, शिवपाल सिंह यादव ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर करती हुई दिखाई दी पल्लवी, क्योंकि अखिलेश यादव हाल चाल जानने तक नहीं पहुंचे। इसी बीच पल्लवी पटेल ने आखिरकार किसे वोट दिया है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अगर पल्लवी पटेल ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा।
इस तरह से पल्लवी पटेल ने अपने फैसले को लेकर खुलासा कर दिया है कि ये एक व्यक्तिगत फैसला है और व्यक्तिगत फैसले में देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से पल्लवी पटेल अपनी नाराजगी को भी जाहिर करती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जब पल्लवी पटेल हॉस्पिटल में एडमिट थी उस वक्त अखिलेश यादव उनका हाल चाल जानने तक नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।